आखिर ऐसा क्या हुआ जब खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन ने तोड़ दी खास मंदिर की छत, और जब उस मंदिर के अंदर देखा गया तो वहां दिखा एक चमत्कारी शिवलिंग। कहते हैं चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है, ऐसा ही कुछ हुआ अयोध्या में। जैसे ही इस खास चमत्कार की खबर उड़ी, इस चमत्कार को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल सरयू नदी के तट पर स्थित संत तुलसीदास घाट के पास करतालिया बाबा मंदिर के निकट सीवर की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर मिला। जैसे ही शिव मंदिर मिलने की खबर आग की तरह इलाके में फैली, देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने उस स्थान पर पूजा और आरती शुरू कर दी। कुछ संत महंत भी पहुंच गए और अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया। दोस्तों को बता दें कि दरअसल हुआ क्या था। संत तुलसीदास घाट के पास करतालिया बाबा के निकट वहां पर सीवर की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान उन्हें एक बड़ी सी समतल जगह मिली। यह बिल्कुल मंदिर की छत की तरह दिख रही थी। जब जेसीबी के जरिए इसके ऊपर से मलबा हटाया गया तो वह छत टूट गई। जब लोगों ने नीचे उतर कर देखा तो वहां उन्हें दिखाई दिया एक खास दिव्य शिवलिंग, जिसके पास स्थित थी एक बहुत बड़ी घंटी और पास में ही एक बाल्टी भी मौजूद थी, और साथ ही साथ शिव का हथियार यानी कि त्रिशूल भी था। फिर जब लोगों ने धीरे धीरे कर नीचे उतरना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि प्राचीन मंदिर की तरह दिख रहा है यह खास मंदिर। उस प्राचीन मंदिर के पास ही एक कमरा भी सटा हुआ था। राजकुमार दास ने बताया कि शिव मंदिर मिलने की जानकारी प्रशासन और पुरातत्व विभाग को दे दी गई और अभी भी फिलहाल सीवर का काम चल रहा है, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद उसे ढक दिया गया ताकि हर कोई वहां पर जाकर ना देख सके। साथ ही साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुनाव भी चल रहे थे, उस चुनाव के लिए और उस चुनाव के चक्कर में ही उस खुदाई को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया गया। लेकिन स्थानीय लोगों का यह दावा है, साथ ही साथ प्रशासन भी यह मानता है कि पुरातत्व विभाग को और प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है, वह जल्द ही इस पर दोबारा रुख करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, अयोध्या नगरी राम की नगरी मानी जाती है जो बेहद ही प्राचीन है। शहरीकरण के कारण प्राचीन अयोध्या के कई अवशेष जमीन के नीचे दब गए। आपको बता दे दोस्तों कि सरयू नदी पहले यहीं से होकर बहती थी और उसके किनारे कालंकार में कई छोटे बड़े मंदिर थे। लोगों ने प्रशासन से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने की मांग की है, इसका दोबारा से निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस खास शिवलिंग को देखने के लिए और इस शिव मंदिर को देखने के लिए लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अभी इसकी फिलहाल खुदाई को रोक दिया गया है। प्रशासन और पुरातत्व विभाग जल्द ही इसको जरूर देखेंगे और इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।